असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने राज्य में मुसलमानों के विवाह और तलाक के पंजीकरण समेत 3 कानूनों को मंजूरी दे दी है। नए कानून राज्य विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे। गुरुवार 22 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। अन्य 2 कानूनों में विरासत स्थलों और आदिवासी भूमि की सुरक्षा शामिल है। CM हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पहले काजी मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण करते थे, अब सरकारी अधिकारी ये काम करेंगे। मामले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मुसलमानों के विवाह को विनियमित करने वाले पहले के कानून असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह मुस्लिम विवाह और तलाक विधेयक 2024 लागू किया जाएगा। पहले के कानून में मुस्लिम विवाह और तलाक के स्वैच्छिक पंजीकरण का प्रावधान था और सरकार को मुस्लिम व्यक्ति को ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर मुस्लिम विवाह और तलाक को पंजीकृत करने के लिए अधिकृत करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। कैबिनेट ने साल फरवरी में मौजूदा कानून को रद्द करने का फैसला किया था। CM हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पहले काजी मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण करते थे, नए कानून के तहत इन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा पंजीकृत कराना होगा। नया कानून बनने पर ये बंद हो जाएगा। ये राज्य में बाल विवाह को समाप्त करने का एक प्रयास है। हेमंत कैबिनेट ने असम भूमि और राजस्व विनियम अधिनियम 1886 में एक नए प्रावधान को शामिल करने को भी मंजूरी दे दी है, जो धार्मिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा है। शर्मा ने कहा कि नया प्रावधान 250 वर्ष से अधिक पुराने निर्माण कार्यों के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में केवल उन व्यक्तियों द्वारा भूमि की बिक्री और खरीद को प्रतिबंधित करेगा जिनके परिवार की कम से कम 3 पीढ़ियां लगातार उस क्षेत्र में रह रही। CM ने कहा कि शुरू में 3 स्थानों बारपेटा, बटा दरबा और माजुली को नए प्रावधान में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के सुझाव के आधार पर अन्य स्थानों को भी शामिल किया जा सकता है। CM शर्मा ने आगे कहा कि जिन लोगों ने पहले ही उन स्थानों के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीद ली है, उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। काश पिछली सरकारों ने इन स्थानों की सुरक्षा के बारे में सोचा होता और पहले ही ऐसे प्रावधान बनाए होते। ब्यूरो रिपोर्ट।